पूर्णिमा की रात है, ये भीषण रण क्षेत्र इस समय स्थिर है। घोड़ों की टाप की आवाज, बंदूकों की गरज और गोलों की वर्षा गायब हो रही है। ना कोई हुरे करता है, ना कोई हरे मुरारे। आवाज आती है तो केवल कुत्तों और सियारों की। रह रहकर घायलों का क्रंदन सुनाई पड़ता है। किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पंजर घायल हुआ है। कोई राम को पुकारता है, कोई गॉड को, कोई पानी मांगता है, कोई मृत्यु का आह्वान करता है। नमस्कार, मैं हूँ मोनाश्री, आपको स्वागत करती हूँ मेरे बुक ट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस किताब के बारे में बात करना चाहती हूँ, उस किताब का नाम है आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का कालजी कृति आनंद मठ बंगाल में पड़े भीषण अकाल और सन्यासियों का आंदोलन को दर्शाता है और इसी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर ये किताब लिखी गई है। आनंद मठ के कथा वस्तु के अनुसार 1770 और 1774 के बीच में बंगाल में जो अकाल भीषण पड़ा था और उसी टाइम नवाबों ने और इंग्रेजों ने जनसाधारण के ऊपर कर का भार लाद दिए थे, तो जनता त्राहित रही कर उठे और चारों ओर निर्यातना और प्रताड़ना का तांडव रचा हुआ था। तो उसी समय जनसाधारण ने वसुंधरा की नाम रखकर उन्होंने और उत्तर में नवाब और इंग्रेज के विरुद्ध खड़े हुए। में प्रथम खंड से लेकर चतुर्थ खंड तक बहुत सारे कैरेक्टर्स आते रहेंगे और मैं तो फिर कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है महेंद्र है, उसके बाद कल्याणी महेंद्र है और कल्याणी है और ब्रह्मचारी है और भवानंद और जीवानंद है और जीवानंद की बहन है और शांति है जो कि जीवानंद की पत्नी है और वो आके कहानी में आगे जाकर नवीनानंद बना। कहानी किताब की कहानी शुरू होती है महेंद्र के परिवार से। महेंद्र अपनी पत्नी कल्याणी और अपनी बेटी सुकुमारी के साथ रह रहा है और अकाल की वजह से उनके पास खाना नहीं है और वो तीनों घर से खाने की खोज में निकलते हैं। और महेंद्र अपनी बेटी सुकुमारी के लिए खाने और पीने के लिए थोड़ा दूध की संधान में निकल जाता है। इसी समय कुछ डाकू आते हैं और वो कल्याणी और उसकी बेटी को किडनैप करके ले जाते हैं। और एक्चुअल में वो डाकू नहीं थे, वो भी इसी अकाल के वजह से खाने की खोज में निकलते थे। और जैसे तैसे करके कल्याणी अपने बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और यहीं से महेंद्र अपनी बीवी और बेटी से बिछड़ जाता है। कल्याणी और उसकी बेटी को एक ब्रह्मचारी जो कि उसे सेव करता है और वो अपने आश्रम में लेकर जाता है और ब्रह्मचारी के कहने पर भवानंद और जीवानंद दोनों ब्रह्मचारी के शिष्य थे। ब्रह्मचारी के कहने पर भवानंद महेंद्र को ढूंढने के लिए निकलता है। चक्कर भवानंद महेंद्र से मिलता है और महेंद्र भवानंद की बातें सुनता है और उनकी बातों में आकर महेंद्र भी सोचता है कि वो भी इसी धर्म से दीक्षित होने के लिए, पर वो पहले सोचता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी को सुरक्षित रख। तो भवानंद महेंद्र को लेकर आश्रम में आता है और वहाँ पर वो अपनी बेटी और वो कल्याणी से मिलता है और वो उसकी दीक्षित होने की खबर कल्याणी को देता है। पर कल्याणी इसी बात से सहमत ना होकर वो जहर खाकर वहाँ से उसकी मृत्यु हो जाती है। पर उसके बाद कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है और कल्याणी की पुनर्जन्म होता है और महेंद्र और उसकी बेटी वहाँ से बिछड़ जाता है। महेंद्र की बेटी जो सुकुमारी थे उसको जीवानंद लेकर अपनी बहन को देता है और यहीं से जीवानंद की कहानी शुरू होती है। और जीवानंद की शादी शांति नाम की एक लड़की से हो चुकी थी बचपन में। किताब में यहीं से शुरू होता है कि शांति और जीवानंद की लव स्टोरी और जीवानंद को शांति कैसे मिली और उसकी शादी बचपन में क्यों हुई थी। और जीवानंद संतान धर्म से दीक्षित होने की वजह से वो शांति को छोड़कर आश्रम में रहता है और शांति अपनी पति से मिलने के लिए वो अपना परिचय बदलकर नवीनानंद नामक एक सन्यासी का नाम लेकर वो आश्रम में पहुंचता है। पर जीवानंद उससे पहचान जाता है और कहानी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी आते हैं और एंड ऑफ द स्टोरी जो सब बिछड़ जाते थे वो आकर मिलते हैं। शांति नवीनानंद कैसे बना और उसके लाइफ में और कौन कौन आए और ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो सन्यासी आंदोलन में क्या हुआ था, ये सब इस किताब में है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये किताब पूरे पढ़ सकते हो। तो फिर आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।